मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रंगों का त्यौहार होली आज बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। प्राचीन पौराणिक कथा अनुसार होली का त्यौहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ा हुआ है। भारत में अन्य त्यौहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हम आपको मुंब्रा शहर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ आज मुंब्रा में होली का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे के शिकवे गिले भूलकर भाईचारा का संदेश देते हुए रंगों में रंगे नजर आए। चाहे वो मुंब्रा का शंकर मंदिर हो या फिर बाबा जी पाटिल या फिर संजय नगर इलाका हो, लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हुए नजर आए। एक दूसरे को अबीर लगाकर गले मिलते हुए होली की मुबारकबाद बधाई देते हुए दिखाई दिए। कहीं भांग पीकर डीजे के धुन पर थिरकते हुए भी होली का जश्न मनाते हुए लोग दिखे। लेकिन एक बात और बता दें आपको कि जिस तरह से कोरोना वायरस का डर लोगों में एक दूसरे से हाथ मिलाने से या ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना, मगर इस होली के रंगों ने कोरोना वायरस को भी मात दे दिया और लोग हाथ मिलाते हुए एक दूसरे से गले मिलते हुए इस त्यौहार में नजर आए। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होली यानी रंगों का ये त्यौहार मनाया जाता है। आज मुंब्रा शहर में होली किस तरह से मनाई गई और इस खुशी के मौके पर रंगों में रंगे हुए लोगों ने क्या कहा है। सबसे पहले तो मैं मेरे हिंदुस्तान के और मेरे मुंब्रा वासियों को होली और रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात कोरोना वायरस की, तो ये चाइना का प्रोडक्ट है, ये इंडिया में ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। होली है। और इसी त्यौहार के चलते मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि जो भी बुरी बलाएं हमारे इस देश पर आई है, जो भी बुरे ख्यालात लोगों के अंदर है या जो बुरी सोच है, वो होली के अंदर जल जाए और आपके जीवन में खुशियों की बहार आए, रंगों की बहार आए। जैसे अलग अलग रंग हमने आज परिधान किए, वैसे अलग अलग खुशियाँ हर एक के, वो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो और जितने भी सिख ईसाई हमारे भाई हो, ये हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक हो, उन सब के लिए खुशमय, स्वास्थ्यमय, आरोग्यमय ये पूरा साल जाए। हाँ, ये आज का त्यौहार ही वैसा होता है। अभी आप ही देखिए, आप यहाँ आए हैं, आपको भी हमने कलर लगाया है, तो यही भाईचारा है, यही इस देश का सबसे बड़ा सौभाग्य कि सब एक साथ रहते, एक साथ त्यौहार मनाते हैं। वैसे आज होली का त्यौहार है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम लोग, और इसी तरह से सब प्यार और मोहब्बत से रहिए, यही अपेक्षा करते हैं। बहुत ही अच्छा त्यौहार है और सब मिलजुल के मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो बहुत ही अच्छी तरह से होली मनाई जाती है, सब मिलजुल के रहते हैं और सब अच्छी तरह से कलर से होली खेलते हैं, ना कोई झगड़ा करते ना ही कोई, ये सब मिल बांट के प्यार करते हैं। ओके, थैंक यू। त्यौहार में क्या क्या ऐसे पकवान है जो खास तौर? हाँ, हम बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, लापसी बनाते हैं, पूड़ी, सब्जी, सीरा, सब कुछ, बहुत अच्छे अच्छे मिठाई बनाते हैं और सब मिलजुल के खाते हैं। और हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से डांस भी होते हैं होली के दिन, यहाँ तो बहुत अच्छी तरह से बहुत सब जन मिलजुल के रहते हैं, कोई बहुत ही हमेशा हर साल ही बहुत ही अच्छी तरह से होली मनाते थे। होली इसलिए मनाई जाती है कि होली एक खुशियों का त्यौहार है और खेलते धमाल करते और बहुत सारी चीज करते और हैप्पी होली टू ऑल। आपने देखा कि किस तरह से आज रंगों में रंगे हुए लोगों में कितनी खुशी थी, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी रंगों में डूबे हुए हैं। बस यही कह रहे हैं कि बुरा ना मानो, होली है। प्रहार टाइम्स की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।